हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। आज हम इस टेबल फैन को रिवाइंडिंग करेंगे, जिसमें कि चार स्लॉट होती हैं और चार कॉइल होती हैं। तो यह टेबल फैन है जिसको कि हम आज कंप्लीट इसको रिवाइंडिंग करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया है और यह पूरी तरह जल गया है। इसकी कॉइल हीट हो गई हैं, यह इसके कनेक्शन वायर हैं, यह इसका रोटर है जो कि ठीक है। इस प्रकार हम टेबल फैन को बाइंड करना शुरू करते हैं। तो इसमें यह मैग्नेट पत्ती लगी रहती है जो कि एक कैपेसिटर का कार्य करती हैं, जिसे कि हम एक लोहे की राड की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। और मैंने यह मैग्नेट पत्ती बाहर निकाल ली है। यह देखिए दोस्तों, यह मैग्नेट पत्ती इस प्रकार की रहती हैं जो कि एक कैपेसिटर का कार्य करती हैं, फैन को घुमाती है। तो अब हम इसके कनेक्शनों को बाहर निकाल लेते हैं और कॉइल को इस प्रकार से बाहर निकाल लेते हैं। कॉइलों को हमने इस प्रकार बाहर निकाल लिया है और इसमें फोर कॉइल होती हैं और इसके आरपीएम 1440 होते हैं। अब हम इसमें फिल्म पेपर लगा लेते हैं जो कि 7 नंबर होता है। इस प्रकार हम इसका फ्रेम बना लेते हैं। यह मैंने इसका नाप लेकर इस प्रकार मोड़ते हैं। मोड़ने के बाद हम एक चाकू की सहायता से पेपर को काट लेते हैं। इसी प्रकार हम सभी पेपर को काट लेते हैं। जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, यदि इसी प्रकार हम कार्य करते हैं तो कार्य करने में बड़ी ही आसानी होती है और पंखा रिवाइंडिंग आसानी से हो जाता है। मैं वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है इसी प्रकार फैन को रिवाइंडिंग करता हूं। इस प्रकार हम इन स्लॉटों में
पेपर को लगा लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार इसी प्रकार हम चार पेपर और काट लेते हैं और चारों सलाटों में लगा लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, मैंने पेपर लगा लिए हैं। अब हम इन क्वालों को देखते हैं। इन क्वालों में से एक क्वाल को जलाकर इसके टर्न गिन लेते हैं और इसका गेज नंबर ले लेते हैं। अब हम इस फर्मे से क्वाल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्लॉट में लगाकर इस फ्रेम को देख लेते हैं कि हमारी क्वाल बड़ी या छोटी ना हो जाए। यह फर्मा लकड़ी के बना होता है, तो इसी फर्मे से हम क्वाल को बनाएंगे। इसमें हम 30 नंबर वायर से ₹650 टर्न इसमें लगाएंगे। यह 30 नंबर कॉपर वायर है। इसकी पैकिंग को खोल लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, तो अब हम अपनी क्वाल बनाने वाली मशीन पर इस फर्मे को सेट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने फर्मे को सेट कर लिया है। अब हम क्वाल को बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने वायर को लगाकर क्वाल तैयार कर ली है। यह देखिए दोस्तों, यह हमारी क्वाल है जिसमें कि दूसरे बाहर निकलते हैं, जिसको कि हम एक सिरे को प्लस मान सकते हैं और दूसरे सिरे को माइनस मान सकते हैं। हमारी क्वाइल बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इस टेबल फैन के स्टेटर में क्वाइल को डालेंगे। तो यह देखिए दोस्तों, यह स्क्रू दिया गया है जो कि जाली का होता है। तो हम इसके दूसरी ओर कनेक्शनों को रखेंगे ताकि हमें कनेक्शन सही दिशा में मिलें। तो इस प्रकार अब हम क्वाइल को स्लॉट के बीच में बिठालते हैं। यह देखिए दोस्तों, हमारी पहली क्वाइल बैठ गई है।
इसी प्रकार हम दूसरी कॉइल को स्लॉट के बीच में डाल लेते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है कॉइल बिठाने का। चार कॉइल होती हैं और चार ही स्लॉट होती हैं, तो इस प्रकार हम कॉइल को बिठाने के बाद पेपर को मोड़कर सेट कर लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार इसी प्रकार हम चारों कॉइलों को इसमें बिठा लेंगे और पेपर को ऊपर से सेट कर देते हैं। अब हम अगली कॉइल को इसमें बिठा लेंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, पर जो काम सीखना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा। इस प्रकार हम तीसरी कॉइल को स्टेटर के स्लॉट में बिठा लेते हैं और ऊपर से पेपर को मोड़ कर लगा देते हैं ताकि कॉइल स्टेटर के आपस में टच ना हो, जिससे कि फैन में करंट आने का डर ना हो। अब हम अगली कॉइल को इसमें ऐड करते हैं। यह देखिए दोस्तों, यह हमारी चौथी कॉइल है, जिसको कि हम बड़ी ही आसानी से फैन के स्टेटर में डाल लेते हैं। जिस प्रकार वीडियो में दिखाया जाता है, इस प्रकार फैन को वाइंड करने से बहुत आसानी हो जाती है। यह देखिए दोस्तों, हमने चारों कॉइलों को इसमें ऐड कर लिया है और कनेक्शन वायर बाहर निकल आए हैं। अब हम दूसरी तरफ धागे से कॉइलों को बांध लेते हैं। इस प्रकार देखिए दोस्तों, कॉइल को बांधने से कॉइल एक जगह पर रहती है, ताकि चलते समय वह हिले ना। इसी प्रकार हम सभी कॉइलों को बांध लेते हैं। अच्छी तरह बांधने के बाद हम इन कॉइलों के बीच में सेपरेटर पेपर को लगा लेते हैं, ताकि कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो। यह देखिए दोस्तों, यह हमने सेपरेटर पेपर हैं जिनको कि काट कर इस प्रकार मोड़ लिया है। तो अब हम इस पेपर को दोनों कॉइलों के बीच में लगा लेते हैं। यह पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो कॉइल आपस में शॉर्ट हो सकती हैं और हमारा फैन बाइंडिंग
जल सकती है। इस प्रकार हम इस पेपर को दोनों क्वालों के बीच में लगा लेते हैं। हमने चारों क्वालों के बीच में सेपरेटर पेपर लगा लिया है। अब हम इन स्लॉटों में मैग्नेट पत्ती को लगा लेते हैं। इस प्रकार इसी प्रकार हम चारों क्वालों में मैग्नेट पत्ती को लगा लेंगे। और यह देखिए दोस्तों, हमने मैग्नेट पत्ती को स्लॉटों में लगा लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य कनेक्शन करना होता है, जो कि मैं इस कनेक्शन डाटा में आपको दिखा देता हूं। तो यह देखिए हमारी चार क्वाल होती हैं, जिसका कि एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा माइनस होता है। तो माइनस सिरे को माइनस में, प्लस सिरे को प्लस में, माइनस को माइनस में, और प्लस सिरा बाहर निकल आता है। तो इसमें जो है ये टेबल फैन के जो नीचे स्पीड कम ज़्यादा करने का रेजिस्टेंस लगा होता है, उसके कनेक्शन हैं। बाकी हम इन दो वायर से फैन को भी चला सकते हैं। तो चलिए अब हम इन क्वालों को कनेक्शन कर लेते हैं। दोनों सिरों को अलग अलग कर लेते हैं। क्वाल के सिरों को अलग अलग करने के बाद हम किसी एक क्वाल के एक सिरे को प्लस मान लेते हैं और दूसरे सिरे को माइनस मान लेते हैं। इसमें हम जिस वायर को माइनस मानते हैं, हम उसी क्वाल के माइनस को दूसरी क्वाल के माइनस को आपस में जोड़ लेते हैं। उसके बाद उस दूसरी क्वाल के प्लस सिरे को तीसरी क्वाल के प्लस सिरे में जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार आखिरी में हमारे प्लस सिरे बाहर निकल आते हैं, जो कि एसी सप्लाई के लिए होते हैं। इसमें हम एक नंबर स्लीप को लगाते हैं। आखिरी में जब हमारे प्लस सिरे बाहर निकलते हैं, तो हम इन सिरों को डबल कर लेते हैं, ताकि कनेक्शनों में मजबूती मिले। इस प्रकार देखिए दोस्तों, अब हम इन कनेक्शनों को जला लेते हैं, ताकि इनका इंसुलेशन अलग हो जाए और हमारे कनेक्शन हो जाएं। इस प्रकार हमने इन दो वायरों को एसी के लिए बाहर निकालना है, तो हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। इस प्रकार हम कनेक्शन कर लेते हैं। इसी प्रकार दूसरे कनेक्शन में इस केबल को ऐड कर लेते हैं। इस प्रकार अब हम इनके ऊपर
तीन नंबर स्लीप को लगा देते हैं इस प्रकार। दूसरे केबल के ऊपर भी स्लीप को लगा देते हैं। हम इन कनेक्शन के नीचे छोटा सा पेपर लगा देते हैं ताकि हमारे कनेक्शन क्वाल से शॉर्ट ना हो। यह देखिए दोस्तों, यह पेपर कनेक्शन वायर के नीचे रखकर हम धागे की मदद से टेपिंग कर देते हैं। यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम टेपिंग कर देते हैं। वीडियो को बड़ा रखा गया है पर छोटी से छोटी बात बताना जरूरी है। यह देखिए दोस्तों, हमने कनेक्शन वायर बाहर निकाल लिए हैं और अच्छी तरह टेपिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हम इस इंसुलेशन को डालेंगे ताकि बाइंडिंग करते समय जब भी हमारा वायर कट छिल जाता है तो इसकी सहायता से वह ठीक हो जाता है और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके डालने से हमारे फैन की बाइंडिंग की सर्विस भी बढ़ जाती है। दूसरी ओर भी हम इस इंसुलेशन को डाल लेते हैं इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, अब फैन बाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इन दोनों पलड़ों में बाइंडिंग को सेट कर लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, हमारा रोटर घूमने लगा है। अब हम इसके अगले कैप को इसमें लगा लेते हैं और यह हमने दोनों पलड़ों को इसमें सेट कर लिया है और हमारी शाफ्ट जो है अच्छी तरह घूमने लगी है। यह देखिए दोस्तों, अब हम फैन को सीरीज बोर्ड से टेस्ट करेंगे। तो कनेक्शन वायर को सीरीज बोर्ड में लगाते हैं और सीरीज स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा फैन घूमने लगा है काफ़ी अच्छा।